नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी टीआरई 3.0 की रिजल्ट में परीक्षा परिणाम आने में अभी देरी है, हो सकता है ज्यादा उम्मीद है कि अब यह जो परीक्षा परिणाम आएगा बीपीएससी टीआरई 3.0 का 15 नवंबर के बाद ही आ सकता है, इसके पहले नहीं आ सकता है। एक अलग स्थिति बनी हुई है अभ्यर्थियों के मध्य और वह बना हुआ है कि एंशियंट हिस्ट्री, दरअसल मैं बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी इतिहास की बात कर रहा हूँ। बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी इतिहास में एंशियंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास से जिन लोगों ने परास्नातक किया हुआ था उन लोगों ने भी फॉर्म भरा हुआ था, और जो लोग मध्यकालीन या आधुनिक इतिहास से थे वह भी लोग फॉर्म अप्लाई किए हुए थे। परीक्षा में जो इतिहास का पोर्शन है, मतलब अगर इतिहास का प्रवक्ता बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में, अगर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो टीआरई 3.0 हुआ है, अगर उसमें इतिहास का प्रवक्ता के लिए अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपका जो डिग्री होना चाहिए, जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वह आपका पीजी में आपका हिस्ट्री मतलब पीजी इतिहास ही आपका होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी, अब मैं यह जानना आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इतिहास का मतलब क्या है। मतलब यह इतिहास, एक तो प्राचीन इतिहास से पीजी किया जाता है और एक इतिहास से, दोनों में फर्क साफ साफ है। देखिए, इतिहास का मतलब मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास है, ठीक है। अगर आप प्राचीन इतिहास से पीजी हैं तब शायद वैलिड नहीं होंगे, लेकिन अब देखिए सिनेरियो इस बार क्या होता है, क्योंकि पिछली बार बीपीएससी टीआरई 2.0 में या बीपीएससी टीआरई 1.0 में सीधे सीधे प्राचीन इतिहास के अभ्यर्थियों को हटा दिया गया था। बहुत सारे ऐसे लोग जो थे काउंसलिंग में ही हटा दिए गए, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो काउंसलिंग होने के बाद भी उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया कि उनके पास वैध डिग्री नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए उम्मीद है कि टीआरई 3.0 में भी प्राचीन इतिहास वैलिड न हो, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से यह कहने से बचना चाहूंगा कि हो सकता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में प्राचीन इतिहास उस बार भले ही वैलिड न किया हो, उस बार भले ही एंट्री न हुई हो, लेकिन हो सकता है इस बार का संशोधन के साथ जरूर प्राचीन इतिहास वाले अभ्यर्थियों का भी एंट्री होना चाहिए और होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, ठीक है। लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था। देखिए क्या होता है, और दरअसल यह मामला अन्य राज्यों में भी है, ठीक है। यही मामला सीधे सीधे झारखंड में भी है। झारखंड के बारे में आप जानते हैं, झारखंड स्टेट इज आल्सो ब्रदर ऑफ बिहार, ठीक है। झारखंड स्टेट आमतौर पर बिहार का ही भाई है, बिहार से ही निकला हुआ है। और यह बात आप जान लें कि झारखंड में भी प्रवक्ता पद के लिए वहां पर भी एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास वाले अभ्यर्थियों को बाहर किया गया था, 2007 की नियमावली का हवाला देकर सीधे सीधे बाहर कर दिया गया था। तो वही बात है, देखिए झारखंड में भी बाहर हुआ है, फिर राजस्थान में भी बाहर हुआ है शायद, और इसी तरह से बिहार में भी यह बातें निकलकर सामने आ रही है कि प्राचीन इतिहास वाले वहां पर भी वैलिड नहीं है। तो इस बार देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन पिछली बार नहीं हुआ था, अब इस बार का हालात शायद बदले, शायद गवर्नमेंट थोड़ी बहुत आयोग थोड़ा वो छूट दे और प्राचीन इतिहास वाले अभ्यर्थियों को भी, हालांकि अगर अच्छा नंबर लाए हुए हैं सभी अभ्यर्थी तो बिना भेदभाव को उनको भी काउंसलिंग में शामिल करे। लेकिन फिलहाल टीआरई 2.0 में या 1.0 में इस तरह की खबरें नहीं थी, वहां पर प्राचीन इतिहास वाले अभ्यर्थियों से काउंसलिंग के दिन स्पष्टीकरण मांगा गया कि वह अपनी वैध डिग्री लाएं, ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर टीजीटी पीजीटी जूनियर बिल्कुल कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेगा। तो आप सभी लोग बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, धन्यवाद आप लोग को।